हेलो फ्रेंड्स, तो गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और साथ ही साथ बच्चों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं। तो और बाज़ार में मैंगो भी बहुत मिल रहे हैं, बहुत मीठे मीठे मैंगो मिल रहे हैं और बच्चे भी रोज़ कुछ ना कुछ नया खाने की जिद करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने एक मैंगो आइसक्रीम बनाई है, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। जब भी खाने का मन करे बच्चों को तो आप इसे बना के दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है और भी घर में बनी हुई है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है, उसको इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से चाकू से लंबे लंबे काट लेंगे, इससे आसानी से इसके पीसेस निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से काट लेंगे और इनको इस तरह से करके इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मीठा मैंगो है ये। जब भी आप आइसक्रीम बनाएं तो मीठा ही मैंगो लीजिएगा, उससे आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी काट लिया है, दूसरी तरफ से भी, और इस तरह से इसके सारे पीसेस निकाल लिए हैं और इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें लेंगे 1 कप फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने ये, और इसे गरम कर लेंगे, इसे बॉईल करना है। और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है और इसको गरम होने के लिए रख देंगे जब तक कि इसमें एक बॉईल ना आ जाए। तो चलिए, जो दूध मैंने बचा लिया था उसमें मैंने 1 टेबल स्पून करीब कॉर्नफ्लोर लिया है और उसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब जो दूध हम देख लेते हैं, वो दूध भी गर्म हो चुका है, इसमें बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें इसे चम्मच से इस तरह से ला लेंगे और इसमें डाल देंगे जो कॉर्नफ्लोर हमने घोला था दूध में, उसको धीरे धीरे इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से, और इसे गाढ़ा होने तक हमें पकाना है, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। साथ साथ चम्मच से इसे हिलाती भी रहेगा, नहीं तो ये जल सकता है नीचे से। इसे बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे हम। फिर इसे चम्मच से हिलाएंगे। ये देखिए बॉईल आ रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन इसमें बॉईल आ चुका है अच्छे से। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून भर के चीनी डाल दी है इसमें, और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। चम्मच से साथ साथ हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये गाढ़ा होके तले पे लग जाएगा और जल भी सकता है, तो हिलाना बहुत ज़रूरी है इसे। अब मैंने ये फ्रेश क्रीम, जो घर की मलाई होती है ना दूध की, वो ले ली है, 1/2 कप के करीब है ये, और इसे भी इस दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक हम इसी तरह से पकाएंगे इसको, जिससे मलाई भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और जो कॉर्नफ्लोर डाला था वो भी अच्छे से पक जाए इसके साथ। ये देखिए, अब पकाते पकाते 5-10 मिनट हमें हो चुके हैं, 10 मिनट करीब, और ये इस तरह से गाढ़ा हो चुका है और देखिए करछी पे इस तरह से लग रहा है। तो उस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब जो हमने मैंगो कटिंग किए थे उसको मैं कप से नाप लेती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना मैंने वो मैंगो लिया है और कितना दूध। तो जितना मैंने दूध लिया था उतना ही मैंने मैंगो लिया है, 1 कप के करीब है ये। और इसको मिक्सी में इसका एक पेस्ट बना लेना है हमको। तो ये पेस्ट बन चुका है इसका। अब हम एक और जार लेंगे और उसमें हमको जो हमने मिक्सर बनाया था ना कॉर्नफ्लावर और दूध का, वो ठंडा हो चुका है और उसको हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मैंगो प्यूरी जो हमने तैयार की थी अभी, वो इसमें डाल देंगे। और अब डाल देंगे इसमें अमूल फ्रेश क्रीम,
इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी बनती है बाजार जैसी, तो उसको ज़रूर डालिएगा। तो मैंने इस पे डाल दिए है, अब हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। देखिए इसका एक पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही क्रीमी। अगर यहाँ पे आप कलर डालना चाहते हैं तो इसमें कलर डाल सकते हैं, मैंने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया है। कलर डालने से बस इसका इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, दिखने में अच्छी लगती है, तो मैंने इस पर कोई भी कलर नहीं डाला है। अब मैं एक टिन लूँगी, या कोई भी आपके पास बर्तन हो जिस पे आप आइसक्रीम जमा सकते हो। मैंने ये टिफ़िन लिया है तो मैंने इस पर डाला है इसको। सारे मिक्सचर को डालेंगे, अच्छे से टैप कर लेंगे इवनली। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब देखिए मैंने इसे पूरे ओवरनाइट से जमने के लिए रख दिया था, ये देखिए जम के तैयार हो चुका है। मैं इसे करछी की सहायता से इस तरह से निकाल लूँगी। तो ये अगर आपके पास स्कूप ना हो तो आप करछी से इस तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल स्कूप जैसा ही बनता है। देखिए कटोरी में निकाल लिया है मैंने और इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी क्रीमी आइसक्रीम है, आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। जब भी आपका मन करे आइसक्रीम खाने का तो आप इसे झट से बना सकते हैं। आइसक्रीम बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नई एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।